7 7 please. होमवर्क हो रहा है? इसके पहले मैंने आज तुम लोग को जो भेजा था वह था कामचोर, और आज मैं 13 नंबर पार्ट परिंदे मैंने पूछी कि फरिया इस चैप्टर को मैं भेजूँ। फरियाद माने तुम्हारा बोला जाए तो किसी चीज़ का अनुरोध करना। इस कविता को 12 लाइन यहाँ तक कम से कम याद करके रखोगे, अगर जो लोग पूरा याद कर ले तब तो बहुत अच्छा है। अब मैं कविता को जो पढ़ दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वह बाग की बहारें वह सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वह अपने घोंसलों की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। इन्हें चिड़िया बोलता है कि मुझे वह गुजरा हुआ जमाना जब हम कैद नहीं थे, वह जमाना हमें याद आता है। वह बाग की बहारें, जब बाग में बहारें आती थी, वह सब और सब चाहते थे। वह आज़ादी कहाँ है वह अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। जब शबनम यानी ओस जब गिरते हैं तो वह लगता है कि रो रहे हैं, और उसमें कलियां जब खिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामनी सी मूरत, बात जिसके दम से था मेरा आसियाना। आती नहीं सदाए उसकी मेरी कसम, कबस में होती मेरी रिहाई ये कस मेरे बस में। वह सभी चीज़ मुझे याद आता है, अगर मुझे दिल में रहता कि मैं आज़ाद हो पाता यहाँ से। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। मेरे जितने साथी है मेरे देश में पड़े हुए हैं, मैं कैदी हूँ। आई बाहर कलियाँ फूलों की हंस रही, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है वहीं कपस में मैं गम में मर न जाऊँ। मैं क्या यहीं पर मर जाऊँगा? मुझे याद तो आते हैं, लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी कैद में ही ख़त्म हो जाएगी? जब से चमन छुटा है या हाल हो गया, दिल का गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझ के खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों को कि फरियाद यह सदा है। आज़ाद मुझको कर दे वो कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ कैदी तू छुड़कर दुआ ले। यानी एक पंक्ति जिस तक कैद हो जाता है, हम भी अगर कोई जुर्म करते हैं तो हम भी कैद हो सकते हैं कानून के कैद खाने में, और उस समय हम पछता कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें कैदी होना पड़े। इसका शब्दार्थ याद कर लोगे और इसके एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन को पूरा तुम लोग कर लेना। अगला क्लास मैं सुभागी करके भेजूंगा, इसको तैयार रखोगे ठीक है। और ये परिभाषित शब्द भी चार लिख लेना, शबनम का ओस होता है
ठीक है, मौसला का ये सब देखना, यदि होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं तो करवाऊँगा ही। ओके भाई।